नमस्कार, मैं हूँ श्रीघासरा और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बंधु तिर्की की बेटी मांडर से उन्होंने बंधु तिर्की ने मांडर से अपनी बेटी को उतारा है जिनका नाम है शिल्पी तिर्की। और आज उनके अपोजिशन में बीजेपी ने उतारा है गंगोत्री खजूर को। आज गंगोत्री ने नॉमिनेशन दे दिया है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि मांडर में आखिर जीत किसकी होती है। बता दें, ऐसी खबरें आ रही थी कि कांग्रेस से कुछ लोग खुश नहीं है शिल्पी तिर्की के इससे आने से, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस में उनकी सक्रियता बहुत ही कम है। कांग्रेस में वो सदस्य भी नहीं थी कांग्रेस की। अब आते आते डायरेक्ट उनको टिकट दिया जा रहा है, इससे बहुत लोग नाखुश है। लेकिन जैसा हमने कांग्रेस के प्रवक्ता से बात की जो हम अभी आपको सुनाएंगे, उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है कि कांग्रेस में कोई दुखी नहीं है। मुझे तो ऐसा कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और आपने देखा कि नामांकन में कितनी ज़्यादा भीड़ उमड़ी है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे प्रफुल्लित मन से बंधु दादा के साथ और मांडर की जनता के साथ जो विश्वासघात हुआ है उसको दूर करने के लिए दुगुनी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है। इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं। देखिए, कॉम्बिनेशन का बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेचर को लेकर के स्वतः निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने बेहतर समझ करके ही कैंडिडेट उतारा होगा, लेकिन इस बार उनकी दाल गलने वाली नहीं है। और साथ ही ये जो बातें चल रही थी कि समन्वय समिति के द्वारा कांग्रेस का झुंझुना पकड़ा दिया गया है, इसमें बहुत सारे हेमंत सोरेन ने एक समन्वय समिति बनाया है जिसमें कांग्रेस के बड़े अधिकारी को शामिल किया गया है जो देख रेख करेंगे सरकार की। लेकिन इसको भी राजीव रंजन प्रवक्ता ने, हमने बात की, उन्होंने सिरे से खारिज किया, कहा है ऐसा कोई झुंझुना नहीं है, कांग्रेस बहुत खुश है, ये गठबंधन की सरकार बहुत खुश है और 5 साल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, कोई मतभेद नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा कि गंगोत्री खजूर और शिल्पा तिर्की के बीच में जो मुकाबला है इस पर बाजी कौन मारेगा, क्योंकि बंधु तिर्की में तो ऐसे ही ईडी रेड और सीबीआई का छापा से वो बेहद हताश और परेशान है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा, लेकिन पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे जीएन भारत में। धन्यवाद, आप देखते रहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।